हम सबके साथ उत्तराखंड राज्य समन्वय करने का काम पूरे देश में काम करने दायित्व दिया था। इस लोकतंत्र के लोकप्रिय सांसद भारत सरकार के रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री एवं फिर से आप सबकी सेवा के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने उनको फिर से जो काम शुरू हुए हैं उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए नए कामों को भारत सरकार से लाने के लिए फिर से हमारे यहाँ सेवा करने के लिए प्रत्याशी के रूप में उनको मौका दिया है, आप सबकी सेवा का अवसर दिया है। मैं उनका आप सबकी तरफ से क्योंकि प्रत्याशी घोषित हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार आप सब लोगों ने प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए उससे पहले अजय भट्ट जी को पिछली बार से भी ज्यादा मतों से इस क्षेत्र से विजय बनाकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से आप अपना सब लोग उनको अपना समर्थन देंगे। आदरणीय अजय भट्ट जी हमारे इस रुद्रपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, आदरणीय शिव अरोड़ा जी हमारे गदरपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक एवं उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, आदरणीय अरविंद पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रुद्रपुर श्री कमल जिंदल जी, जिला अध्यक्ष काशीपुर श्री गुंजन सुखीजा जी, मंडी सद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल डब्बू जी, अध्यक्ष मत्स्य पालन बोर्ड श्री उत्तम दत्ता जी, निवर्तमान मेयर, इन्होंने भी लगातार इस नजूल की भूमि पर मालिकाना हक के लिए अपना संपूर्ण प्रयास जिन्होंने किया, श्री रामपाल जी, पूर्व विधायक भाई प्रेम सिंह राणा जी, श्री विकास शर्मा जी और मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, हमारे आयुक्त श्री दीपक जी, यहाँ के जिलाधिकारी जिन्होंने इस नजूल की भूमि का मालिकाना हक मिले उसके लिए लगातार सतत रूप से पूरे प्रशासन की टीम को लगाने का काम किया। यहाँ के नगर आयुक्त भी हमारे डीआईजी डॉक्टर रावत जी, एसपी श्री मंजुनाथ जी एवं पूरी टीम, मैं आप सभी का भी चूंकि धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने बहुत त्वरित गति से इस काम को धरातल पर उतारा। और मेरे सामने आज बैठे हुए सभी हमारे आए हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी मेरी माताएं बहनें एवं मेरे नौजवान साथियों और हमारे मीडिया के सभी हमारे मित्र पत्रकार, छायाकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, मैं सर्वप्रथम तो आज नजूल भूमि के मालिकाना हक का जिनको